को ऑन कर लिया है। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे। मैंने फ्राई पैन रख दिया है गैस पर और फ्राई पैन को गर्म होने देंगे। आज सकट है तो सकट पे हम तिल के लड्डू बनाएंगे। तो मैंने ये तिल लिया है आधा कटोरी और इसको हम रोस्ट करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तिल का कलर चेंज हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। तिल को हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसको ठंडा होने देंगे। पैन में एक बड़ा चम्मच हमने देसी घी डाला है, इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है फ्राई पैन में, तो इसका वाला ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। तिल को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर दिया है हमने क्योंकि गुड़ ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और हमने इसमें तिल डाल दिए हैं। गुड़ और तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसके हम लड्डू बनाएंगे। हाथ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है जिससे कि लड्डू हमारे बढ़िया से तैयार हो जाए बनकर। इस तरह से एक शेप में हमें बनाना है तो ये मैंने ले लिए हैं और देखिए इस तरह से गोल गोल हमने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं। तो देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छा लग रहा है बनके। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।